Hi, this is Sharman Joshi and keep watching In24. नमस्कार, स्वागत है आपका In24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जिले में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक, रजका मार के रावण भाटा में मचाया जमकर उत्पात। घर छोड़कर भागे ग्रामीण, घर में रखे अनाज को भी किया चट। कोठारी में पोड़ी के स्कूल परिसर के खंभे में करंट आने की शिकायत के बाद भी नहीं हुआ सुधार, विद्युत विभाग को हादसे का इंतजार। और बस्तर में नक्सलियों का उत्पात जारी, फिर से तीन ट्रकों को किया आग के हवाले। बीते तीन दिनों में दर्जन भर वाहनों को फूंक चुके हैं नक्सली, ग्रामीणों में दहशत का आलम। रायगढ़ में बीती रात एनटीपीसी धरना स्थल को उखाड़ फेंकने के बाद आज सुबह से छपोरा में एनटीपीसी के मुख्य गेट के सामने माहौल गर्मा गर्मी बना हुआ है। सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना से प्रभावित ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। छपोरा में ग्रामीण आक्रोशित होकर पहुंच चुके थे। इधर प्रशासन भी बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस जवान तैनात कर दिए थे। एनटीपीसी आंदोलन से जुड़े नेता भी पहुंच चुके थे, जिसमें पूर्व विधायक विजय अग्रवाल और आंदोलन से जुड़े हुए दूसरे कांग्रेसी नेता अनिल अग्रवाल चीकू भी वहाँ पहुँच चुके थे। कई बार आंदोलनकारियों पर पुलिस का खौफ दिखाया गया। झूमा झटकी भी हुई, लेकिन ग्रामीण टस से मस होने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वह अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब धरना स्थल को क्यों निस्तनाबूद किया गया। इस आक्रोश से ग्रामीणों ने छपोरा मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस इसे हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन ग्रामीण टस से मस होने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन लोगों पर FIR हो जिन्होंने उनके धरने स्थल पर JCB चलवाया है। ये NTPC में नौकरी की मांग को लेकर यहाँ के जो आसपास के स्थानीय निवासी हैं वो NTPC के पास के जमीन पे धरने पे बैठे हुए थे, और किसी ने रात को उनके जो धरना स्थल था उसमें उसको टेंट को उखाड़ के अपन JCB चला दिया था। उसमें इन लोग आक्रोशित होकर NTPC के गेट के पास आ गए थे, और सुबह जो मजदूर आ रहे थे काम करने के लिए उनको रोका गया। जो NTPC के एक अधिकारी हैं SGM, उनके साथ भी झूमा झटकी हुई, और जो और गाड़ियां थी उस पर भी डंडे चलाए। तो इस तरह से जो एक लाइन ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई थी, तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन यहां मौके पे आए और उन लोगों से बातचीत किए, और अभी तक ये शांतिपूर्वक वहाँ पर बैठे हैं, मगर अभी स्थिति ठीक है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन उनकी छोटी सी गलती पर FIR करने की धमकी देती है, जबकि वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जब अवैधानिक तरीके से किए गए इस कृत्य पर FIR क्यों नहीं की जा रही है। वह लोग तो सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी जायज मांगों को मांग रहे हैं, तो फिर ऐसे में उनके धरना स्थल को JCB से क्यों तहस नहस करवा दिया गया। NTPC के मुख्य गेट के सामने प्रभावित और ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, चक्का जाम भी करके रखे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उनके धरना स्थल को तहस नहस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। मौके पर पूर्व विधायक विजय अग्रवाल पहुंचकर इस कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि वह विस्थापित परिवार अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगों पर कार्रवाई ना कर उनके धरना स्थल को JCB से तहस नहस करना संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के विपरीत है, और इसे प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। और जिन्होंने भी धरना स्थल को JCB से चलवा कर तहस नहस किया है, उन पर FIR कार्रवाई होनी चाहिए। 142 पुनर्वास नीति के अनुपालन की मांग को लेकर, नौकरी की मांग को लेकर, जायज मांग को लेकर हड़ताल में बैठे थे, और आप भी देखिए कई बार आगे गए कवर किया। 142 में पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से चला, कोई न्यूसेंस नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चला। कल शाम को रोज सुबह 10 से 4 बजे तक बैठता हूँ, शाम को चले जाते हैं 15-9 गाँव के लोग। कल शाम को इनके किसी अधिकारी कहने से JCB वहाँ गई, वो पूरा खोद दिया, पूरा पंडाल त्रिपाल वगैरह जो लगा उसको तहस नहस कर दिया सब, उससे लोग आक्रोशित होकर के और आज यहाँ पर गेट पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। कुछ डेलीगेशन टीम गई हुई थी आज NTPC प्रबंधन से बात करने के लिए, क्या कुछ मामला निकल गया? अभी तक कोई हल, कोई निष्कर्ष दिखाई नहीं दे रहा है।
एक हिसाब से बोला जाए तो एनटीपीसी अपने इख्तियार की हुई है, खिलवाड़ कर रही है। आप बताइए, सीपत छत्तीसगढ़ में, सीपत में एनटीपीसी बना, वहाँ 692 लोगों को जिनकी जमीन गई थी, 692 लोगों को रोजगार दिया गया, तो सीपत भी छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ भी छत्तीसगढ़ में, वहाँ अलग काम, यहाँ अलग काम। एनटीपीसी वही कही है ना कि एनटीपीसी भी अलग अलग है। यहाँ जी मुश्किल से 150 लोग हुए जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे कि हमको बड़ा रोजगार दो, अगर कोई चपरासी का लायक तो उसको चपरासी का रोजगार दे दो भाई, कोई इंजीनियर तो उसको इंजीनियर का रोजगार दो, पर जो जिस लायक है उसमें कोई बंधन नहीं, इन पे जो जिस लायक उसको रोजगार दे दो। आज तुम्हारे पास नहीं तो लिखा पढ़त कर लो, कम से कम लिखा पढ़ी कर लो, लेकिन हमारे पास ये रोजगार 3 महीने बाद निकलेगा तो हम आपको दे देंगे, उसमें भी तैयार है। एनटीपीसी पता नहीं क्यों और क्या सोच रहा है लोगों को, और टोटल खिलवाड़ कर रहा है, मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम लोग लगभग 148 दिन हो गए यहाँ आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो बीते रात को जब ये पास के अरमुड़ा गांव से महाराज आ रहे थे तो उन लोगों देखे कि सामने से वो हमारे टेंट को जहाँ पर हम लोग हड़ताल करते थे वहीं पर उसको बुलडोजर जेसीपी से उसको उजाड़ा गया था, तो ऐसे ऐसे पता चला तो हम लोग यहाँ शांति से ही कर रहे थे तो बीच में उन लोग ऐसे कर दिए। हमारी मांगे इतनी है कि हमारी जमीन गई है पूर्वजों की जमीन, तो हम लोग उसके हकदार हैं, हम लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम और एनटीपीसी के आला अधिकारी और ग्रामीणों के बीच किसी प्रकार का भी समझौता नहीं हुआ और बातचीत का किसी प्रकार का कोई भी नतीजा नहीं निकला, इस कारण ग्रामीण फिर से अपने धरना आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए मामला कुछ कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, उनका कहना था क्योंकि जो धरना स्थल है उसके जो पंडाल लगे थे उनको किसी द्वारा हटा दिया गया, तो वो लोग कुछ आक्रोशित होकर के एनटीपीसी की जो है स्थानीय मैनेजमेंट है उनके खिलाफ आक्रोशित होकर के मेन गेट पर इकट्ठा हो गए, और उनके जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं एजीएम उनका मेन हैंडलिंग हुआ, और कुछ लोगों को गाड़ी गिरफ्तार किए हैं, मतलब मार्केट टाइम ही घटना हुई, गाड़ियों को कुछ डंडे वार से मारा गया, इस टाइम की सूचना मिली थी, तो जैसी सूचना मिली हम लोगों ने मतलब प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन दोनों के मतलब स्थानीय अधिकारी यहाँ पहुँचे और स्थिति पर मतलब नियंत्रण करने का प्रयास किया, और आज फिर बाद में सभी की सहमति से उसमें सभी पक्षों की वार्ता हुई उसमें, और वार्ता हालांकि मतलब उसमें सफलता नहीं मिली, मतलब किसी निष्कर्ष में नहीं पहुँचे, परंतु स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में, और कोशिश ये है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। ग्रामीणों की एक टीम एनटीपीसी के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच बैठक हुई, पर बैठक भी बेनतीजा निकला और ग्रामीणों की एक टीम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर धरना आंदोलन करने के लिए जगह मांगा, पर पुलिस अधीक्षक ने जगह एनटीपीसी का होने के कारण वह किसी प्रकार का धरना आंदोलन के लिए जगह देने से मना कर दिया, और अंत तक जिला प्रशासन के अधिकारी और ग्रामीणों का जमावड़ा एनटीपीसी के मेन गेट में रहा और फिर से ग्रामीणों का आंदोलन शुरू होगा। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकास खंड अंतर्गत लेंधरा छोटे में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल बना व्यवसाय का जरिया, छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में डूबते हुए नजर आया, स्कूल की व्यवस्था नहीं मंगल भवन बना पाठशाला। दरअसल यह पूरा मामला लेंद्रा छोटे का है, जहां पिछले 5 वर्षों से मंगल भवन में संचालक द्वारा कब्जा कर अपना व्यवसाय धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय है। आपको बता दें, इस छोटे से मंगल भवन में 109 छात्र छात्राओं को जानवरों की तरह ठूस ठूस कर भरा गया है, जिससे छात्रों के मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ता है और भीषण गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि उस स्कूल में छात्रों के लिए खेल कूद करने के लिए खेल मैदान की कोई सुविधा नहीं है और ना ही शौचालय की कोई व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? पापा क्या नाम है? कितने क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सा देश में रहते हो? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? सारंगढ़ के विधायक कौन है? आपके पंचायत के बीडीसी कौन है? क्या नाम बेटा आपका? कौन सी क्लास पढ़ती हो? दूसरी पढ़ती हो? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? कौन से जिला में आती हो आपको? विकास खंड का नाम क्या है?
शिक्षा के स्तर की अगर बात करें तो स्कूल के शिक्षक से तो वे खुद अनजान हैं। ऐसे स्थितियों में छात्रों के प्रति उनका क्या सीख जाता होगा, कयास लगाया जा सकता है। वही स्कूल में उपस्थित शिवाज सर का कहना है, रायगढ़ जिले का सांसद विष्णुदेव साय नहीं बल्कि छेदूराम साहू है। कितनी जनसंख्या है बच्चों की? 110 टोटल। बच्चों को खेल कूद करने के लिए प्ले ग्राउंड कहाँ पे? प्ले ग्राउंड तो यहाँ पर नहीं है। बच्चे लोग के लिए आरटीई के तहत कितने बच्चों को यहाँ योगदान कर रहे हैं? अभी इस वास्तव में जानकारी मेरे के साथ नहीं चल रही है। बताइए सर, कौन सी जिला में आता है ये गाँव? रायगढ़ जिले। सांसद कौन है? विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय जी हैं। रायगढ़ जिले में कितने विधानसभा हैं? 7 विधानसभा। अब लेमरा की जनसंख्या क्या है? लगभग 2300। और एक शिक्षक का कहना क्या? 2500 है। आपका कहना कौन सा? अनुमानित तो नहीं है अभी, जनगणना तो सर नहीं बता रहा है, अनुमानित बता रहा हूँ। स्कूल कितना से कितना समय तक खुलती है? स्कूल 7:30 से 1:30 बजे। स्कूल संचालित कहाँ पर होती है? स्कूल संचालित मंगल मंगल। पंचायत से अनुसूचित बनाया गया है? मेरे को जानकारी नहीं। नोडल कौन है? नोडल है यहाँ स्कूल का। हाँ, स्कूल का नोडल उसी शासकीय हाई सेकेंडरी। वही पाठशाला में उपस्थित साहू मैडम की अगर बात करें तो जिले में कितने विधानसभा हैं, जिले के सांसद कौन हैं, बोलने से छुपती सादती नजर आई। ऐसी शिक्षिका छात्रों को क्या ज्ञान बांटती होगी, लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है। आप कितना पढ़ाई करके यहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं फाइनल हो गया है। रेगुलर हुआ है, प्राइवेट हुआ है? रेगुलर हुआ है। कौन सा सत्र हुआ है मैडम जी, बताएंगे आप कौन से जिले में रहते हैं? जिला में कौन से? हाँ, कौन से? रायगढ़ जिले में रहते हैं। रायगढ़ जिला का सांसद कौन है? रायगढ़ जिले में कितने विधानसभा है मैडम जी? अब कहाँ की निवासी है? लेंद्रा की है। लेंद्रा पंचायत में कितने जनसंख्या है? वही लेंद्रा सरपंच का मानना है कि यह स्कूल संचालक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में चलाया जा रहा है। वही छात्र छात्राओं के भविष्य को अंधकार में डुबोती नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल संचालक हीरालाल खटका शिक्षा के एवज पे व्यवसाय कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने पॉकेट भरने में लगे हैं। चाहे छात्र छात्राओं का भविष्य कुछ भी हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे स्थितियों में संचालक हीरालाल खटकर के द्वारा यह निंदनीय कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग छात्रों के भविष्य को लेकर शिक्षा पे गुणवत्ता अभियान चलाया जा रहा है, तो वही दूसरी ओर लेंद्रा छोटे के सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राएं शिक्षा या जानकारी के नाम से कोसों दूर हैं, जिसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ स्कूल संचालक व शिक्षा है, जो सिर्फ अपने वेतन के ही भूखे हैं, जिन्हें छात्रों के भविष्य की कतई फिक्र नहीं है। सर बताएंगे प्राइवेट स्कूल संचालित करने के लिए क्या क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए संचालक के पास? स्वयं का साला भवन या किराए का साला भवन होना चाहिए, उसमें पर्याप्त कमरे होने चाहिए। मूलभूत सुविधा में पेयजल के लिए हैंडपंप होना चाहिए और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। बालक बालिका शौचालय होना चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए। सहायक शिक्षा अधिकारी मुकेश कुरे का कहना है कि निजी स्कूलों में सबसे पहले खेल मैदान, बालक बालिका के लिए शौचालय व पाठशाला के लिए भवन का होना जरूरी बताया और इन व्यवस्थाओं का ना होने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक तरफ जो शिक्षा विभाग शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर पिछले 2 वर्षों से एड़ी चोटी एक कर दी, वहीं दूसरी वो सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत लेंद्रा में सरस्वती शिशु मंदिर को देख गया, जो सिर्फ एक मंगल भवन में संचालित की जा रही है। यहाँ की अगर बात करें तो ये बच्चों के लिए खेलने के लिए ना ही प्लेग्राउंड की कोई सुविधा है, ना ही शौचालय की कोई व्यवस्थाएँ। ऐसे स्थितियों में बच्चों को एक जानवरों की तरह, गाय बैल की तरह ढूस ढूस कर कमरे में भरा जा रहा है। वहीं अगर हम छात्रों से कुछ शिक्षा प्रति बात किया जाए, जानकारी लिया जाए, तो उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी नज़र आ रही है। और बच्चे तो बच्चे, अगर शिक्षक को भी कुछ अपने राज्य या फिर अपने जिले के बारे में कुछ जानकारी चाहे
तो उनका भी जवाब एक खामोश नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ देखा गया ग्राम के सरपंच वो फिर ग्रामीणों का कहना है यह ऐसा गाँव है जहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधाएं के लिए सही ढंग से नहीं पाए और उनका कहना है कि यहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है न ही कोई शौचालय की व्यवस्था है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नरेश चौहान। बीती रात लगभग 3 बजे ग्राम रजकामार के रावणभाटा बस्ती में हाथियों ने धावा बोलकर 2 मकान को ढहा दिया और घर में रखे चावल एवं अन्य घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई जिससे बड़ी घटना होते होते टल गई। बीते कई दिनों से हाथियों के विचरण करने से रजकामार, कुरकुमा, केरवा, केराकछार, पत्रापाली, गोडमा, केसला, डेंगुरडी, डुमरडी, भुसलीडी, बुंदेली एवं करुमहुआ बस्ती में रहने वालों की नींद उड़ गई है और रात भर जागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बीती रात को सरगुजा जिले से आए 2 हाथी रजकामार बस्ती पहुंचे, जिसकी खबर मिलने पर रत जगा कर रहे गांव वालों ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। फिर वही हाथी लगभग 3 बजे रात को रावणभाटा बस्ती में जा पहुंचा और उप स्वास्थ्य केंद्र के पास के मकान की दीवार को तोड़कर जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश करने लगा तभी आवाज सुनकर वहां सो रही महिला साधना बाई अपने पोते को लेकर दीवार फांद कर भागी और अपनी एवं पोते की जान बचाई। मोर घर में हाथी पेची बेटा। कब जे? 3 बजे। का का नुकसान करे है? 1 क्विंटल चाउर नुकसान के रहे बेटा। मोरहारी गगरी सब फोड़ दी, मारा बर्तन रन भन, मोर चेंदा चीर है सब फाड़ चीर दी बेटा। और मोर जान लो में बचाए के दे, मैं निकल के मैं दरवाजे के ऊपर में ढहक के कूट के मैं भाग गए, मोर जान लो बचे रहे। कौन कौन रहा तुम घर में? मोर नाती और मैं। कहाँ ले हाथी? कौन तरफ ले से? यही तरफ ले आई बेटा, यही टीले, ये सड़क टीले राजगमार रोड ले आई। हाथियों ने साधना के घर के दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर रखे 100 किलो चावल को चट कर गया और घरेलू सामान एवं बर्तनों को भी तोड़ दिया तथा दूसरे कमरे में रखे कुट्टी भूसी को भी खा गया। फिर साधना के बगल घर जो कि अमेरिका चौहान की है उसके छप्पर को भी तोड़ दिया जिससे उसके घर के अंदर रखे दीवान, पंखा, बाजा एवं घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया। मकान टूटने की आवाज़ सुनते ही अमेरिका एवं उसके पति ने घर में सो रहे 12 लोगों को शोर मचाकर तुरंत उठाया और सभी जान बचाकर वहां से भागे। अमेरिका ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी जिस पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। हम रात में सोते रहे जिसे 3 बजे की संभावना रही से वही समय में पीछे तरफ से आवाज आई, दीवार गिरी है तो फिर सब बाल बच्चा मतलब उठाए हैं। एक बाद मतलब अनुभव लगी कि हो ना हो हाथी पहुंच गए कि अनुभव से हमन फिर बर्मा डॉक्टर के घर तरफ रोड तरफ भागे कोशिश करें। हम एम हमारे घर में हम 10-12 आदमी रहे हैं, 2 जन पहुना आ रही तेहू मर रही और प्लस हमारे बाल बच्चा करके हम सब रहे हैं। इस समय 3 बजे के बाद से मोर घर के हो अवे दीवान अंदर मरई से मोर बड़े लड़का बजा थे आर्गन यमहा वाला आर्गन नुकसान हो है, दीवान नुकसान हो है और दूठा कुर्सी घर द्वार रटे टूट गई सर। एक दिन पहले ही केराकछार में भी 2 लोगों के मकान को तोड़ा था और घर के अंदर रखे चावल को खा गया था तथा 1 सप्ताह पहले ही फुटामुड़ा में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह की घटना से आसपास इलाके के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। चापा मार्ग पर बसे कोठारी के पोड़ी गांव के एक स्कूल में मौजूद खंभे के सपोर्टिंग तार में करंट आने की जानकारी मिली है। वहां पढ़ने वाले बच्चों की माने तो खंभे में करंट आता है यह बात उन्हें पता है, जबकि उसके आसपास की गीली सतह से गुजरने पर भी उन्हें झंझनाहट महसूस होती है। इस बारे में हमारे रिपोर्टर ने वहां के एक टीचर से भी बात की जिन्होंने बताया कि बीते 10 से 12 दिनों से खंभे के सपोर्टिंग तार में करंट की शिकायत मिली है जिसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने खंभे का मुआयना भी किया था। उन्होंने जल्द ही इस शिकायत को दूर कर लेने की बात कही है। वहीं स्कूल के भीतर के खंभे में करंट एक गंभीर समस्या है, इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना वहां हो जाए विभाग को जरूरत है कि जल्द से जल्द इस समस्या को अधिकारी कर्मचारी सुलझा ले। वो काहे घेर कर रखे हैं और क्या उसमें करंट आता है? हाँ करंट आता है और हम लोग ना गीले पानी रहते हैं ना पैर पर तो झंझनाहट आती है। कब से ऐसी है? एक हफ्ते कुछ हो गए। और रात में उसमें जलता भी है? हाँ। क्या जल जलता है? हाँ? करंट को
जैसे करते हैं ना वैसे चिंगारी निकलता उसमें। हाँ 10-12 दिन हुआ होगा, गांव वाले बताए कि रात में इसमें मतलब जलता है करके, तो हम लोग सूचना दिए थे भी, राडो सर को फ़ोन भी किए थे और टीम आया भी था चेक करने के लिए, फिर बोले कि आएंगे और उसमें कुछ सामान लगाएंगे उसके बाद हो जाएगा बोले साल भर। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कितना खतरनाक मानते हैं सर इसको? वो तो है बहुत है सर, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एक भी वो चला गया तो इसीलिए उसको किए हैं सर अपने व्यवस्था के लिए सब किए हैं, बट थोड़ा सा और जरूरी है उसको ये करना है या फिर वहाँ पे ना उसको चेंज करना है, लगा दे तो कुछ नहीं लगेगा, चीनी मिट्टी बस लगेगा बोले वहाँ पर, उसके बाद नहीं आएगा। बाराद्वार में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ग्राम पलाड़ी खुर्द में खेत चलो अभियान के तहत खेतों में जाकर किसानों की बियासी हल चलाकर एवं रोपाई निंदाई में सहयोग किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सुप्रीमो अजीत जोगी के निर्देशानुसार लोकसभा प्रभारी अर्चना उपाध्याय, शक्ति विधानसभा पर्यवेक्षक शंकर सिंघानिया, महिला विंग की जिला अध्यक्ष वर्षा सिंह, विधानसभा प्रभारी अर्जुन राठौर की उपस्थिति में एवं विधानसभा अध्यक्ष युवा तुलेश त्रिवेदी के नेतृत्व में ग्राम पलाड़ी खुर्द में फागु लाल अजगले के द्वारा खेत चलो अभियान का आयोजन किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, आप बने रहिए i924 पर। गश्त के लिए निकली दीपका पुलिस टीम के हत्थे बीती रात एक शख्स चढ़ गया। देर रात संदिग्ध तरीके से घूम रहे उस युवक को थाने लाकर पूछताछ की गई, तो पहले तो वह यूं ही टहलने की बात करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई बरती तो वह टूट गया और फिर उसने जो सच्चाई बयां की वह सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। हिरासत में आए शुभम यादव ने बताया कि वह शातिर चोर है और वह मोटरसाइकिल की चोरी करता है। शुभम ने बताया कि वह दीपका के शराब भट्टी में वहां पहुंचने वाले शराबी लोगों पर नजर रखता था और जब कोई शराबी नशे में धुत हो जाता था तो उसकी बाइक लेकर चंपत हो जाता था। शुभम की माने तो उसने 10 महीने पहले, 1-7 महीने पहले और 3 महीने पहले एक बाइक की चोरी की थी और इस तरह उसने 3 मोटरसाइकिल पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने शुभम यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जलगांव चौक प्रेमनगर में मोबाइल का टावर लगाया जा रहा है। लगभग 7 मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टावर में चढ़कर कार्य कर रहे हैं। ठेकेदार ने जरूरतमंद युवाओं को इस कार्य में नियोजित किया है। मजदूर टावर में अधिक ऊंचाई पर चढ़कर कार्य कर रहे हैं। मजदूरों को सेफ्टी बेल्ट व हेलमेट तक नहीं दिया गया है, ऐसे में कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। इस बारे में हमारे दर्री प्रतिनिधि ने मौके पर काम कर रहे मजदूरों से बात करते हुए उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह वह सुरक्षा की अनदेखी करते हुए इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। चलो आप लेके आए आप लोग? हाँ, हम ठेकेदार नहीं हैं, हम लोग हम लोग लेबर हैं। तो इंचार्ज कौन है यहाँ का? इंचार्ज विजेता इंटर। तो इन लोग सेफ्टी बेल्ट बोल रहे हैं कि एक ही है? नहीं, वो देता है सब। हाँ कहाँ है ये लोग का सेफ्टी बेल्ट? ये लोग बता रहे एक ही सेफ्टी बेल्ट, और कहाँ सेफ्टी बेल्ट? सब जन का सेफ्टी बेल्ट काम करते नहीं बनता है। तो बिना सेफ्टी बेल्ट का कितना खतरा रहता है आप लोग का? आप लोग को सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे तो काम करते नहीं बनेगा ना, इसलिए सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते हैं। अभी बोल रहे आप लोग सेफ्टी बेल्ट मिला नहीं है, एक ही सेफ्टी बेल्ट मिला है, मिला है, रखा है मेरे पास, एक ही सेफ्टी बेल्ट है, और कहाँ है? बिना सेफ्टी बेल्ट का कितना खतरा बना रहता है आप लोगों को? तो आप कंपनी से बात करिए भाई, कंपनी तो हम लोगों को आदेश देती है कि सेफ्टी बेल्ट लगाओ, लेकिन सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं तो काम करते नहीं बनता है, इसलिए सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते। किस कंपनी टावर लग रही है? जी जियो का 5G। कितने जगह आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 7 लोग हैं। और कहीं काम किया था टावर में पहले? अभी तो छत्तीसगढ़ में हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। कितना टावर अभी तक लगा लिया? 100 से ऊपर बिना सेफ्टी बेल्ट के। बगैर सेफ्टी बेल्ट? आपको सेफ्टी बेल्ट कहाँ? अब ये कहिए तो कहाँ से लगाएंगे? कंपनी नहीं दी है सेफ्टी बेल्ट? क्या मालूम है? आप लोग मांगते नहीं हो सेफ्टी बेल्ट चाहिए करके? अब सेठ को बोलना चाहिए हम लोग। सेठ को कौन है? सेठ खड़ा क्या नाम है सेठ का? हाँ गंगाराम।
चुनाव के नजदीक आते ही सियासी दलों के संगठन प्रभारियों का दौरा शुरू हो चुका है। इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी एमएल भारती भी कोरबा के दौरे पर थे। उन्होंने इस दौरान मीडिया के लोगों से बात की और अपनी संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वह बूथ और सेक्टर की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिले के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि जिस तरह की तैयारी बसपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए की है वह पूरा है। वह छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। संगठन की समीक्षा करने आया था कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी अभी तक कितना पोलिंग बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी बना चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव बहुत नज़दीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव नवंबर महीने में होने जा रहा है, सर्वविदित है, सबको पता है। तो हम चुनाव की तैयारी के हिसाब से उसका जायज़ा लेने आए थे कि हमारे संगठन के साथियों ने अब तक संगठन का काम कितना कर पाए हैं और कितना बकाया है, कितना अवशेष है, इसके संदर्भ में हम आए थे। जिनको जिम्मेदारी दी गई है वे सभी लोग टीम बनाकर पोलिंग बूथों का दौरा कर रहे हैं, पोलिंग बूथों पर बैठकर गठन कर रहे हैं और निश्चित रूप से इन लोगों के अंदर सत्ता की भूख पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। इस दृष्टिकोण से हमारे सभी पदाधिकारी चाहे जिस लेवल को हो ये सबके अंदर सत्ता का भूख पैदा हो गया है। छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा है और हमारी तैयारी पूरी 90 विधानसभा की है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाते हुए बीती रात 5 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। ट्रकें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। नक्सलियों ने बचेली में इस घटना को अंजाम दिया है। ये सभी ट्रकें पुराना बाजार के पास खड़ी थी। ये ट्रकें किसकी थी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और अपनी जांच शुरू कर दी है। नक्सलियों ने घटना को अंजाम देने के बाद वहां एक पर्चा भी छोड़ा है। पर्चे के नीचे भैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव कामरेड सुमित्रा का नाम लिखा है। सुकमा के नलका तोग में हुई मुठभेड़ के बाद का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में मुठभेड़ के बाद मारे गए नक्सलियों के कुछ शव व हथियार नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि मुठभेड़ के बाद किसी जवान द्वारा वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को लेकर सुकमा एसपी ने पुष्टि करते हुए स्वीकार किया है कि इसे मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर ही मारे गए नक्सलियों के शव बरामदगी के वक्त बनाया गया था। यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉग इन करें www.inn24news.in। नमस्कार।